नमस्कार, मैं शमसु लेबी और आप देख रहे हैं नेच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले महीने जो मणिपुर का टुपुल में जो घटना हुआ था और उसके बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए थे, लैंडस्लाइड के अंदर दबने की वजह से काफ़ी लोगों का वहाँ पे मौत हो गया था। लेकिन डीमा हसाओ के भी उसमें से दो नौजवान थे जो अपना देश का सेवा करने के लिए निकल के गए थे। बलराम शर्मा, आप लोगों को याद होगी, उमरांगसू का, जिनका शव कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लाया गया था, और प्रियम दत्ता जो हाफलोंग लोअर हाफलोंग के काशीपुर का है। और हमने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले, ये प्रियम दत्ता का घर है और हम आज एक बार फिर से आके वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को बता दें कि इनके घर पे उस दिन हमने आपको दिखाया था कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, ये लोग प्रियम दत्ता का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन आज करीब करीब एक महीना हो गया इस घटना को, प्रियम दत्ता आज तक हमें मिले नहीं, ना तो रेस्क्यू टीम को वहाँ पे मिले। जो लोग आज भी वहाँ पे, बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ का एसडीआरएफ का तरफ से वहाँ पे अभियान जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन लोकली जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके तरफ से या तो लोकल जो रेलवे अथॉरिटीज़ है उनके तरफ से अभी भी वहाँ पे जो ढूंढने का काम यानी कि रेस्क्यू का काम थोड़ा बहुत वहाँ पे चल रहा है। लेकिन सारा जितने भी जो फौजी थे, जितने भी टेरिटोरियल आर्मी के जो जवान थे, सबको वहाँ पे बरामद कर लिया गया है सिवाय प्रियम दत्ता का। और आज आप देख सकते हैं कि उनके घर यहाँ पे सन्नाटा है, कोई यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियम दत्ता शायद कभी भी किसी भी पल वापस आए। आप देख सकते हैं ये पेंडल, ये उसी दिन का पेंडल ये बना हुआ था जिस दिन हमने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रियम दत्ता के लिए, प्रियम दत्ता का जो ये हादसा हुआ है टुपुल में और उसके बाद प्रियम दत्ता लापता है, तब से लेके यहाँ पे लोग लगातार आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का यहाँ पे आना भी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे आते हैं, रोते हैं, अपना दुखड़ा जो लेकर यहीं पे आकर रोते हैं। लेकिन अब देखा गया है कि लोगों का आँखों का जो पानी है वो भी धीरे धीरे सूख रहा है। अब देख सकते हैं ये माहौल, ये प्रियम दत्ता का घर है, घर वही है, पेंडल अभी भी बन के यहाँ पे रेडी है। वहाँ पे इनका जो घर के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, उनके पिताजी यहाँ पे हैं, मम्मी अंदर है, वो बाहर नहीं निकलती है, रोती रहती है घर पे। एक बार मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को, एक बार दिखाए ये घर का माहौल है। फिलहाल कोई आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, कुछ कुछ लोग कभी कभी बीच बीच में आते हैं खबर लेने के लिए। और एनएच का टीम, हमने सोचा कि आज इतना दिन हो गया है प्रियम दत्ता का, खबर किसी को नहीं मिला है, प्रियम दत्ता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि प्रियम दत्ता अभी जीवित है कि नहीं है, इसके बारे में हम आप लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बैठा है वही बता सकता है। लेकिन जो घर के लोग हैं वो लोग अभी मणिपुर में गए थे, पता चल रहा है कि मणिपुर में वो गए थे कुछ लोग। वहाँ पे आने के बाद उन लोगों ने एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल किया है हाफलोंग पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि प्रियम दत्ता मिसिंग है। और एक पोस्टर बना के अब सर्कुलेट किया जा रहा है कि प्रियम दत्ता को अगर कोई भी देखे तो फलाना नंबर पे वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रियम दत्ता की घर ये है, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पेंडल वही है, लेकिन यहाँ पे आज बैठने वाला कोई लोग नहीं है। जिस तरीके से एक महीना पहले यहाँ पे लोगों का हुजूम जमा हुआ था, सब लोग यहाँ पे आए थे। हम आगे बात करेंगे प्रियम दत्ता के जो पिताजी है, पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर कुछ लोग हैं यहाँ जो लोग मणिपुर में गए थे, हम उन लोगों से बात करेंगे, फिर आगे हम आप लोगों से बात करते हैं। आज तक करीब एक महीना पार हो गया, मेरा लड़का अभी भी मिसिंग में है। वहाँ हमारा गांव से बलभद्र बीबी जैसी और हमारा अपना काजिन भाई और अक्सु बोल के उमरांगसु का दो जीवन शर्मा और एक रामू, हाँ माहौर का रामू, क्या टाइटल था वो दादा, हाँ रामू छेत्री, उन चार जन, तीन चार हो गए उन लोग आने वाला, तीन चार दिन स्पॉट में गया था उन लोग। तो वहाँ जाने के बाद उन लोग ने जो देखा, एक दो कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर ऐसा जगह लैंडस्लाइड हुआ। तो वहाँ का आर्मी बोलिए, जो भी बोलिए, इन लोग जितना भी कोशिश करा, बहुत कोशिश करा, वहाँ का जो मिट्टी है ढूंढ ढूंढ के उन लोग मिट्टी को बाली कर, बालू जैसा होता ऐसा बना दिया। तो उन लोग जाने के बाद फिर भी वहाँ का ऑफिसर सीओ जितना भी वहाँ का था, उन लोग फिर भी बोला जो आप लोग आया, आप लोग देखो, हम लोग तो कितना कोशिश किया, आप लोग देख रहा है, फिर भी आप लोग अगर कोई संदेह है, कोई जगह आप लोग का
डाउट में है, कोई जगह आप लोग को देखना है, हमारा रेडी है, अभी भी रेडी है। आप लोग जहाँ बोलेगा वहीं हम लोग फिर हम लोग तलाश करेगा। तो वहाँ का सिचुएशन देख के है कि जो बोलने वाला उन लोग बोला, जो ज़्यादातर बोलने वाला बचने का चांस कमती है। तो बात ये है बेटा, तो आए या ना आए ये ऊपर वाला जाने, अभी भगवान का ऊपर ही सब छोड़ के रखा। बॉडी भी नहीं मिला, एक हड्डी मिलने से भी दुख तो उतना नहीं होता था। चलिए जो भी वक्त तो कुछ उसका मिला, लेकिन गया तो कहाँ गया, मिसिंग में ही है। अभी उस बारे में वहाँ मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में मिसिंग FIR हुआ था, उसका अगेंस्ट में होना ही है ये। तो हमको भी इंफॉर्मेशन आया जो टीमासाव में अगर है वो होने से, यहाँ का लोकल थाना में जो FIR हमने किया, जो हमारा लड़का ऐसा ऐसा उस दिन से मिसिंग है वो लैंडस्लाइड स्पॉट से, बल्कि मैंने एक मिसिंग FIR किया है। तो अभी तक फिलहाल कुछ खबर ही नहीं है मेरा लड़का का, आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान भरोसा है अगर उसको बॉडी नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे भगवान का कुछ हाथ होगा। और हे होने से भी 42 जवान में 41 निकल गया, उन लोग का कोशिश भी बहुत अच्छी तरीके से उन लोग कोशिश किया। 21 शहीद में, शहीद पर्सन में शायद 29-30 ऐसा कुछ होगा, बाकी बचा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वही 30% में हमारा बेटा भी था। तो उसमें 42 में एक 41 अगर निकल गया, मेरा बेटा अभी तक नहीं निकला। क्या हो गया, क्या धरती माँ खा गया ना, क्या हो गया हम तो बोलने नहीं सकता। वही दुख है गया देश सेवा के लिए, बोलता था बाबा आप देखो ना हम आगे जाके क्या करेगा, हम एकदम देश का सेवा करेगा, अटने चलने फिरने बैठने में खाली फौजी। जोश उसका, ये जोश उसका जो याद दे, ये लेके अभी हमको बैठना है, उम्मीद भगवान का ऊपर लगाए के रखा। डीमा आसामवासी और जितना भी हमारा आसामवासी बोलिए, जितना भी ये घटना का बारे में मालूम है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है भगवान को थोड़ा प्रार्थना करना है, अगर है होने से मेरा बेटा आ जाए। भगवान का 1% भी बहुत बड़ा होता, हम लोग तो इंसान है, क्या बोलेगा, बोलने का कुछ नहीं है। हम लोग अति सामान्य बोलेगा, हम लोग एक मामूली सा जीव है, लेकिन उनका लीला, उनका जो काम परंपरा है, हम लोग का अवगत का बाहर है। भगवान अगर कुछ चमत्कार करे उसका ऊपर ही विश्वास रखता है अभी। और सब जितना भी वेल वेसर्स है हमारा, हमारा लिए दुआ किया बा, हमारा लिए प्रार्थना किया, सबसे मेरा क्या बोलेगा, सबसे मेरा अनुरोध है आप लोग फिर भी दुआ जारी रखिए, शायद मेरा बेटा आ जाएगा। चलो एक बात बताइए कि डिमाहासाव का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है आप लोगों के साथ? वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी अभी 30 दिन हो गया। अभी कोऑर्डिनेशन बोलने से मैं DC मैडम से थोड़ा टच में जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरा लड़का का बैंक का एक अकाउंट का बारे में था, उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें बैंक का थोड़ा प्रॉब्लम का कागजा से DC मैडम से एक बार मेले मिला, वहाँ DC का जो अभी PA है उनसे हमसे बात होते रहता है, बस उतना ही है। और तो दूसरा तरफ से तो कुछ हमारा पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बोले तो अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, क्या सुनने में आ रहा है आपको? अभी तक तो यहाँ सुनने में आ रहा है जो हम लोग को काशीपुर से जो एक्स कामबुड़ा XMSC भी है बलभद्र जोशी, उनका परिवार का तरफ से वो खुद स्पॉट में गया था, मणिपुर गया था, वहाँ से मणिपुर सरकार से भी भेंट किया, उसके बाद वहाँ का जो टेरिटोरियल आर्मी लोग से भी भेंट किया। तो उसका कुछ अभी भी जानकारी नहीं है, उन लोग तलाशी जारी रखा है। और घर में अभी भी
सब मौन होकर बैठा है, कोई सोच रहा है कि लड़का अभी भी जिंदा है, कोई सोच रहा है क्या होगा। इसलिए हम लोग भी घर से संपर्क तो रखा है कुछ, मतलब उसके बाबा को माई को हर टाइम खबर लेते रहती है। लेकिन ये दुख का बात है कि आज तक ये देश में हुआ ना नहीं हुआ ऐसा तो हम लोग मालूम भी नहीं है। लेकिन आज करीब इतना दिन हो गया जो लड़का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो वहाँ में लड़का भी जिंदा है ना कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता कि भगवान को कुछ कृपा होगा, शायद लड़का अभी भी घर में मतलब घूम के आ गया ऐसा लगता है हमको। और ऐसा कुछ शब्द भी नहीं है जो उनका घर में आकर उसको माँ बाप को हम लोग कुछ बात बोल के समझाएंगे। लेकिन सबको ऐसा होप है और हमें भी भगवान से प्रार्थना करता, क्योंकि देश में देखा हमारे जो हाई लेवल जो अथॉरिटीज लोग है बहुत कोशिश कर रहा है उन लोगों को निकालने के लिए। अभी तक जहाँ जानकारी मिला शायद आर्मी पर्सनल सिर्फ एक पीसी है, सिर्फ वही बाकी है मिलना, और बाद बाकी तो सब रिकवरी हो गया। और आज का लेटेस्ट रिपोर्ट में जितना हम लोग खबर मिला अभी सिर्फ तीन आदमी कोई मतलब जानकारी नहीं है, तीन आदमी अभी भी मिसिंग है। तो हम लोग भगवान से अभी भी प्रार्थना करता पीएम दत्त जहाँ भी हो अच्छा रहो और जल्दी घर में लौट के आओ बोल के हम लोग यही आशा रखता। और भगवान से भी हम लोग सब मिलके, हम नहीं हम लोग सब मिलके प्रार्थना करता वो अपना अच्छा सोच लेके जैसा घर में घर से गया था देश सेवा के लिए फिर अच्छा सोच लेके माँ बाप के पास लौट के आएगा बोल के हम लोग आशा रखता, ये बोल के मैं यही समर्थ करता हूँ। सुना कि आप स्पोर्ट में गया रहा, हाँ, तो बताइए कि वहाँ का क्या माहौल है अभी कैसा अब क्या देखे? हाँ हम लोग गया सिलचर से, मतलब हम लोग का आर्मी लोग ही एक गाड़ी प्रोवाइड किया हम लोग को, उसी गाड़ी में गया। लगभग 12 घंटा का सफ़र था, तो जाके उन लोग वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हम लोग को, बहुत स्पोर्ट में खुद कमांडेंट साहब ने भी वहाँ जाके दिखाया उसी दिन, और अच्छा बातचीत भी हुआ हमारा साथ। हमारा जो अंदर था प्रियम दत्ता के बारे में जो डाउट था तो वो हमने भी रखा वहाँ, तो हर डाउट को उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि नहीं इतने कैसा काम चल रहा है वहाँ, कितना वो टीम वहाँ लगा हुआ है, ऐसा सब कुछ क्लियर से बता दिया। और हमने खुद जाके वो स्पोर्ट में जब देखा और यहाँ जो हमने फोटो में देखा तो इसमें काफ़ी आकाश पाताल का जैसा अंतर है, क्योंकि जिस तरह से वो लैंडस्लाइड पर हमने अपने आँखों से देखा तो मतलब अंदर से कलेजा काँप जाता है, इस तरह का था वहाँ। और अगर पता नहीं भगवान का क्या मर्जी हुआ है कि वो रात को मतलब 3 मिनट के अंदर ये हुआ बोल के हमने जानने को मिला, तो इसमें से सबको ही को मिला। आखिरकार जाके हमारा वो प्रियम दत्ता ही आज तक मिसिंग है, तो हमने ये भी बताया कहीं भाग कर कहीं गया तो नहीं, कोई बेहोश में पड़ा हुआ ये जंगल उंगल छान मारा कि नहीं आपने, तो ये जब हमने पूछा तो नहीं, हमने पूरा कुत्ता लगा के कुत्ता के साथ हमने पूरा जंगल उंगल 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ हमने छान मारा, अभी तक तो नहीं मिला। अभी 99% हम भी होपलेस हो गया है। अभी अगर 1% आप लोग का दुआ से अगर भगवान ने कुछ चमत्कार कर दिया तो ये अच्छा ही होगा। उन लोग हमारा सीओ साहब ने भी यही बताया, और आज तक नहीं मिलना तो उन्होंने फिर भी हमें एक हम का काम देकर भेजा था कि यहाँ एक FIR आप लोग ने यहाँ का लोकल पुलिस में देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और साथ साथ कुछ मीडिया में भी आप लोग का दे दीजिए मिसिंग ये इस बारे में, तो हो सकता है कहीं इस तरह से कोई हो जाए तो कहीं मिल जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो हमें आगे का कार्रवाई अभी करना शुरू करना पड़ेगा हम लोग को। यही कुछ मतलब बातचीत हुआ अभी आप लोगों का कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं PA के साथ? नहीं, उन लोगों ने सिर्फ इतना ही बताया कि आप लोग वहाँ का काम कार्रवाई कर दीजिए और FIR दे दीजिए और कुछ पेपर में भी हो सके तो दे दीजिए, और ये होने के बाद में तो बाद बाकी काम जितना भी होगा जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करके जाएगा, हम लोग ढूंढते भी रहेगा, यही बात कर। तो मिसिंग रिपोर्ट कब दिया आप लोग? कब दिया था मिसिंग रिपोर्ट? तो ये 2-4 दिन पहले हाँ था ही वहाँ उसका अभी वांटेड मिसिंग करके आप लोगों ने एक पोस्टर भी बनाया? हाँ जी, वो बनाया था हमने, पेपर में भी दिया था, हमारा गोरखा स्टूडेंट यूनियन का तरफ से उसमें दिया था, उनको दायित्व दिया था तो उन लोगों ने वो पेपर में दिया है। तो उसके बाद हो रहा है यहाँ, हमारा असम राइफल का CO साहब ने भी
से भी बातचीत हो गया। अगर जो भी ज़रूरत पड़ता है, आप लोग मणिपुर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आइए, मैं उन लोग से कांटेक्ट करता रहूँगा। यही कहा हमारा सीओ साहब ने भी। उस दिन हम लोग गए थे दो चार आदमी फिर दोबारा, तो आप लोग को तकलीफ होगा वहाँ जाने के लिए या उन लोग से कांटेक्ट करने के लिए, अगर कुछ कुछ भी तकलीफ हो गया तो आप मेरा साथ आइए, मैं भी उतना ही सहयोग करूँगा जितना उन लोग करते हैं, जितना भी उन लोग से बातचीत करना है मेरी तरफ से हो जाएगा। तो ये यही सब भी उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लगा जो रेस्पॉन्स अच्छा दिया उन लोगों ने। और आशा है फिर भी 1% हमने आशा रखा है कि वो कहीं ना कहीं से भगवान का चमत्कार रूप से ही वो लौट आएगा बोल के हम लोग आशा करता अभी। तो आपने सुना इन लोगों को, हमने आप लोगों को सुनाया प्रियम दत्ता के जो पिताजी हैं उनके वर्षन हमने सुनाया, जो लोग गए थे मणिपुर में हमने उन लोगों के जवानी भी आप लोगों को सुनाया, उन लोगों का क्या कहना है। और बताया जा रहा है कि असम राइफल की तरफ से भी पूरा सहयोग इन लोगों के साथ किया जा रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि आगे प्रियम दत्ता का जो अभी अगर वो अब दुनिया में नहीं है तो उसका जो सब है वो हमें कब तक मिलता है, कब तक इनको यहाँ पे लाया जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आगे का जो कार्रवाई है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है इस वक्त। क्योंकि सब बताया जा रहा है कि जितने भी लोग वहाँ हादसे में जो लोग घायल हुए हैं या तो जो लोग शहीद हो गए हैं उनका सबका शरीर यहाँ पर मिल गया है, सिर्फ प्रियम दत्ता ही वहाँ पर बचे हैं। तो अब उम्मीद ये किया जा रहा है, और जो घर के लोग हैं वो लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि डिमांड साहू के लोगों को कि आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने अपने कोई भी धर्म को हो, कोई भी जाति के हो, आप लोग दुआ या प्रार्थना कीजिए ताकि प्रेम दत्ता का कम से कम कुछ तो खबर मिले। और उनका पिताजी का कहना है कि कम से कम एक हड्डी भी कम से कम अगर मिल जाए तो जो तसल्ली होगा। आप समझ सकते हैं कि माँ पिताजी है जो लोग एक महीने से यही रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ते से प्रेम दत्ता को आना था और यही जो रास्ता है ये लोग इसी की तरफ आँख लगा के बैठे हुए हैं कि कब प्रेम दत्ता आए या तो उसका कोई खबर आए। तो एनएच का टीम आप लोगों के साथ हमेशा है और प्रेम दत्ता का इस जो फैमिली के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। पल पल का कोई भी खबर होगा, जानकारी आप लोगों को हम लोग देते रहेंगे। तो इसी तरह आप लोग देखते रहने इच्छ, और याद रखिए कि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।